Assalamu alaikum. We are going to start the chapter number 11 of your book Pathoma, which is about the pancreas, gallbladder and liver pathology. So, सबसे पहले हम pancreas के बारे में देखते हैं. तो pancreas क्या होता है? आपको पता है ये liver होता है और इसके नीचे करके ना यहाँ पे stomach और liver के पास यहाँ पे pancreas होता है इस तरह से करके और ये जो है duodenum के साथ linked होता है. अच्छा, normal जो इसका function होता है वो pancreas का क्या होता है? ये एक्चुअली इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं. एक्सोक्राइन सेल्स जो होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं. हम जो भी खाना खाते हैं वो यहाँ पे जब आता है तो पेंक्रियास के यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होते हैं. वो हमारे डिफरेंट जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट डाइजेशन करता है एक्सेट्रा. ठीक है, इसी तरह एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो आपको पता है कि ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन वगैरह, जो कि हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. यही काम होता है ना इसका. तो अब क्या होगा? अब ये होगा ना कि अगर पेंक्रियाज में ये देखिए नॉर्मली यहाँ पे भी अगर आप देखें ना तो ये स्टमक, ये पेंक्रियाज है स्टमक के साथ ये ड्यूडेनम लिंक्ड है. ठीक है, और जैसे यहाँ पे कोई भी फूड आता है तो एंजाइम्स जो हैं वो ड्यूडेनम में रिलीज़ होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए. लेकिन यहाँ पे देखें, अब हम ना डिफरेंट पैथोलॉजीज़ देखेंगे पेंक्रियाज की, जिसमें क्या होगा कि पेंक्रियाज जो होगा ना वो ख़राब हो जाएगा, उसका काम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा. लाइक एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के केस में या कैंसर के केस में क्या होगा कि पेंक्रियाज जो है वो इन्फ्लेम हो जाएगा ना, उसकी वजह से क्या होगा, अब जो एंजाइम्स नॉर्मली ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ होने थे वो नहीं होंगे, वो पेंक्रियाज के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे. तो दिस इज़ एक्चुअली इंजाइम्स एक्यूमुलेट इन द इंजर्ड एसिनार सेल्स. जब वहाँ पर वो जमा हो जाएंगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने पेंक्रियाज को ही खाना शुरू कर देंगे. पहले उन्होंने उनको फूड चाहिए था खाने के लिए, अब उनको फूड के तभी ले नहीं रहा क्योंकि वो अंदर ही फंस गए हैं. तो अब कहेंगे आओ पेंक्रियाज हमें तुम्हें ही खा लेते हैं, हम तो भूखे हो गए हैं. ठीक है, तो इस तरह से तो पेंक्रियाज जो होगा वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. ये एक्चुअली कहानी है. हम सबसे पहले पिक्चर्स देखेंगे, उसके बाद हम बुक से जो है ना इसकी डिटेल देख लेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में जो डिजीज़ लिखी हुई है दैट इज़ एनुलर पेंक्रियाज. एनुलर पेंक्रियाज में आपको क्या नज़र आ रहा है ये देखें, जो पेंक्रियाज है ना उसने हमारे ड्यूडेनम को पकड़ लिया हुआ है. ये डेवलपमेंट मेलफॉर्मेशन होती है, मतलब कि बाय बर्थ डेवलपमेंटल मेलफॉर्मेशन होती है जिसमें पेंक्रियाज जो होता है वो रिंग बना लेता है अराउंड द ड्यूडेनम. ठीक है, पेंक्रियाज जो होता है वो ड्यूडेनम के इर्द गिर्द जो है ना एक रिंग बना लेता है, उसको झकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ड्यूडेनम होता है ना वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. इसको हम कहते हैं एनुलर पेंक्रियाज. उसके बाद आता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस. इसमें क्या होता है कि आपको नज़र आ रहा है ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हमारे पेंक्रियाज की, तो उसको कहेंगे कि ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है और इसमें हेमरेज भी होना शुरू हो जाएगा अंदर की तरफ. उसके बाद होता क्या, क्यों होता है ये, क्योंकि जो ऑटो डाइजेशन शुरू हो जाती है हमारे पेंक्रियाटिक पैरेन्काइमा की, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से. इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि उनकी ऑटो डाइजेशन की वजह से पेंक्रियाज की क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है. ये मेन रीज़न होता है. अब ये जो होते हैं ना एंजाइम्स, इसमें एक सबसे पहले जो एंजाइम एक्टिवेट होता है वो ट्रिप्सिन होता है. ट्रिप्सिन एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाता है ना यहाँ पे आके, तो वो बाकी एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करवा देता है. वो सारे मिल के जो है ना कहते हैं आओ पार्टी करें, बहुत मज़े का पेंक्रियाज है, खाना शुरू कर देते हैं उसको. ठीक है, तो इस तरह से जो है ना अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ पे पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है. और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पेंक्रियाज होता है ना उसकी लिक्विफेक्टिव जो है ना नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है. पेंक्रियाज बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है. जो पेंक्रियाज होता है ना उसकी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, और जो पेंक्रियाज होता है उसके इर्द गिर्द ना फैट होती है. मतलब कि ये पेंक्रियाज है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ये तो लिवर की तरह का बन गया पेंक्रियाज, इस तरह का होता है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पेंक्रियाज के इर्द गिर्द फैट होती है. अब उसकी जो डाइजेशन होगी ना वो फैट नेक्रोसिस होगी. ठीक है, मतलब ये कि पेंक्रियाज की अपनी जो है वो लिक्विफेक्टिक नेक्रोसिस है और जो उसके इर्द गिर्द फैट है ना उसकी फैट नेक्रोसिस है. ये सिंपल सी बात है. उसके बाद हम कॉजेज़ ऑफ पेंक्रियाटाइटिस देख लेते हैं कि कौन से कॉजेज़ होते हैं. तो अल्कोहल कंजम्पशन, पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं कोई अल्कोहल पीता था, और वो बताएगा कि मैं कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ करता था जो कि आपको पता है बहुत सी ड्रग्स होती हैं कि वो पेंक्रियाज के लिए हार्मफुल होती हैं, तो वो बताएगा मैं अल्कोहल, या हिस्ट्री देगा कि ड्रग्स यूज़ कर रहा था उसकी वजह से हो गया. इसके अलावा जो है आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, मैं इसको क्लोज करती हूँ, गॉल स्टोन्स. ठीक है, ये गॉल स्टोन्स बने हुए हैं यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है गॉल स्टोन्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेंक्रियाज जो है वो इन्फ्लेम हो जाएगा. इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा है कि इस बच्चे को ना यहाँ पे जो बाईसाइकिल का एकदम से इंजर, मतलब वो एक्सीडेंट हुआ उसका, जिसकी वजह से ना डायरेक्टली ये जो है ना हमारे पेंक्रियाज के ऊपर लगा. ठीक है, जिसकी वजह से पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो गई. ये हो क्या, तो ये क्या है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है. हाइपरकैलिसीमिया, हाइपरकैलिसीमिया में क्या होता है कैल्शियम ज़्यादा होता है हमारे अंदर. कैल्शियम जो होता है ये आपको पता है ये एंजाइम्स की एक्टिवेशन करवा देता है, तो कैल्शियम के ज़्यादा होने की वजह से भी पेंक्रियाज जो है उसके एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और
وہ پینکراس کی ڈائجیشن اسٹارٹ کر دیں گے. پھر اس کے علاوہ اسکارپین اسٹنگ اگر لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یا ممپس کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے ممپس جو ہوتا ہے اگر اس ایج میں ہو تو یہ پینکراٹائٹس اور آرکائٹس وغیرہ کرواتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈیوڈینل السر, ڈیوڈینل السر اگر بنا ہونا وہ اگر رپچر کر جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پھر جو پیشنٹ ہوگا اس کے کلینکل فیچرس کیا ہوں گے, وہ کمپلین کرے گا کہ مجھے ایسے درد ہو رہی ہے, کہاں پہ درد ہو رہی ہے, وہ کہے گا کہ مجھے یہاں پہ درد ہو رہی ہے, یہ کون سا ریجن ہے, ایپی گیسٹرک ابڈومینل پین, بتائے گا ایپی گیسٹرک ابڈومینل پین ہو رہی ہے جو پیچھے کی طرف جا رہی ہے, ریڈیٹس ٹو بیک, ٹھیک ہے. اور کیا وہ بتائے گا, اور وہ بتائے گا کہ مجھے نوزیا وومیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, دل خراب ہوتا ہے, وومیٹنگ ہوتی رہتی ہے, اس طرح سے کلینکل فیچرز ہوں گے اس کے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, فلینک ہیمریج ہو جاتا ہے. فلینک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جو فلینکس ہوتے ہیں یہاں پہ, یہ جو پیچھے والا حصہ آپ کو دکھایا ہوا ہے, یہاں پہ ہیمریجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آگے اگر امبلائکس ہوتا ہے نا, اس کے ارد گرد بھی پیری امبلائکل ہیمریجز اس طرح کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ بلڈ ٹیسٹ ہم جب کرتے ہیں نا, تو اس میں نا ہمارے انزائمز انکریز ہوئے ہوتے ہیں. کون کون سے, سیرم کے اندر لائپیز اور ایم آئی لیز, ٹھیک ہے. لائپیز اور ایم آئی لیز سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سا زیادہ اچھا ہوتا ہے, کون سے زیادہ اسپیسیفک ہوتا ہے پینکریٹائٹس کے لیے, تو دیٹ از لائپیز. کیوں؟ کیونکہ ایم آئی لیز جو ہوتا ہے یہ ہمارا سلیوری ملیز بھی تو ہوتا ہے نا, اس وجہ سے لائپیز جو ہوتا ہے وہ زیادہ اسپیسیفک ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کازز میں ہم نے دیکھا تھا ہائپر کیلسیمیا کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا, لیکن اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے, ہائپو کیلسیمیا ہو جاتا ہے, مطلب بلڈ میں کیلشیم کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کیلشیم ہوتا ہے نا وہ ہمارا یوٹیلائز ہو جاتا ہے وہ کروانے کے لیے, کیا کہتے ہیں اس کو, کیلشیم جو ہوتا ہے وہ فیٹ نیکروسس کروانے میں یوٹیلائز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پونیفیکیشن میں. اس کے بعد ہم اس کی کمپلیکیشنز دیکھتے ہیں, تو پیشنٹ جو ہے وہ کہاں پہ چلا جائے گا, شاک میں چلا جائے گا, تو پیچھے بہت شور ہے. اچھا یہ شاک میں چلا جائے گا پیشنٹ, اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, پینکریاٹک ایبسس بن سکتی ہے, پینکریاز میں سوڈو سسٹ بن سکتا ہے اس کی وجہ سے, یا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم. یہ تو آپ آرٹس جو ہوتا ہے نا یہ ان پیشنٹس میں ہوتا ہی ہوتا ہے جو بہت عرصے سے کسی انجری کی وجہ سے نا ہاسپٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اور اس کے کازز میں ہم نے دیکھا بھی تھا, ٹھیک ہے. تو سوڈو سسٹ بن سکتی ہے, ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو سکتی ہے, ایبسس بن سکتی ہے, یا شاک میں پیشنٹ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو اور کیا ہو سکتا ہے, ڈی آئی سی ہو سکتی ہے, ڈسیمینیٹڈ انٹراویسکولر کوگولیشن. یہ ہوتا ہے کہ پوری باڈی میں جگہ جگہ کوگولیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور جب سارے کوگولیٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ یوٹیلائز ہو جاتے ہیں, تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے, بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے پوری باڈی میں, ٹھیک ہے. تو یہ ایکیوٹ پینکریٹائٹس کے بارے میں بتائیں, ان کو بک سے دیکھ لیتے ہیں. پہلے بک سے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اینولر پینکریاز بتایا ہوا ہے, اس میں ہم نے پڑھ بھی لیا کہ وہ پینکریاز جو ادھر رنگ بنا لیتا ہے ڈیوڈینم کے ارد گرد, تو اس کی وجہ سے ڈیوڈینل ابسٹرکشن ہو جاتی ہے. ایکیوٹ پینکریٹائٹس ہم نے ڈسکس کیا, جس میں ہم نے دیکھا کہ پینکریاز کی انفلامیشن اور ہیمریج ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے کیوں ہوتی ہے, کیونکہ پینکریاٹک انزائمز ہوتے ہیں وہ آٹو ڈائجیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں, پری میچور ایکٹیویشن ہو جاتی ہے ٹرپسین کی جو باقی انزائمز کو بھی وہاں پہ بلا لیتا ہے, لیکوئڈ افیکٹو ہیمریج نیکروسس ہوتی ہے پینکریاز کی, اور اس کے ارد گرد کی جو فیٹ ہوتی ہے وہاں پہ فیٹ نیکروسس ہوتی ہے. زیادہ تر یہ الکوہول اور گال اسٹونس کی کنزمپشن کی وجہ سے ہوتا ہے, اور مطلب الکوہول کی کنزمپشن اور گال اسٹونس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹراما, ہائپر کیلسیمیا, ہائپر لیپیڈیمیا, ڈرگس, اسکارپین سلنگس, مامس اور رپچر آف پوسٹیریئر ڈیوڈینل السر, یہی ہم نے دیکھا ہے نا. اس میں کلینکل فیچرس میں کیا ہے کہ ابڈومینل پین کے ساتھ جو ریڈیٹ کر رہی ہوگی بیک میں, ویری امپورٹنٹ چیز, نوزیا وامٹنگ, پیری امبلائکل فلینک ہیمریج ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ نیکروسس جو ہے وہ پیری امبلائکل سافٹ ٹیشوز اور ریٹرو پیریٹونیم میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, ایلیویٹیڈ سیرم ایم آئی لیز اور لائپیز ہوتا ہے, جس میں ہم نے دیکھا لائپیز زیادہ اسپیسیفک ہے. ہائپو کیلسیمیا کیوں ہوگا, کیلشیم جو ہوتا ہے فیٹ نیکروسس میں یوز ہو جاتی ہے اس وجہ سے. کمپلیکیشنز ہم نے دیکھی, شاک ہو سکتا ہے, شاک ہی ہوتا ہے کیونکہ پیری پینکریاٹک ہیمریج ہو جاتا ہے اور فلوئڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب کہ وہ ہو گیا نا, ہیمریج ہو گیا, اتنے زیادہ ہیمریج ہو گیا تو پیشنٹ شاک میں جائے گا نا, ہائپوولیمک شاک میں. اس کے بعد کیا ہے, پینکریاز سوڈو سسٹ بن سکتی ہے. یہ کیا میں نے آپ کو دکھائی تھی, بڑی سی بنی ہوئی تھی, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لیکوئیفیکٹو نیکروسس کے ارد گرد کا فائبرس ٹیشو ہوتا ہے نا, وہاں سے بنتا ہے پینکریاٹک انزائمس کی وجہ سے یہ سوڈو سسٹ بن جاتی ہے. اگر یہ سوڈو سسٹ رپچر ہو جائے, خود سوچیں وہ جو بڑی سی بنی ہوئی تھی, تو اس میں نا بہت زیادہ, ایک تو ابڈومینل پین اسٹارٹ ہو جاتی ہے پیشنٹ کو, اس کا سیرم ایم ایل اے جو ہوتا ہے وہ پرسسٹنسلی انکریز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر رپچر ہو جائے تو سارے انزائمز جو ہیں وہ ابڈومینل کیویٹی میں ریلیز ہو جائیں, اور اس کی وجہ سے ہیمریج بھی ہو سکتا ہے. پینکریاٹک ایبسس بن جاتی ہے, پینکریاٹک ایبسس کس کی وجہ سے بنتی ہے, ای کولائی کی وجہ سے. اس میں کیا ہوتا ہے, پینکریاٹک ایبسس جو آپ کو میں نے دکھائی بھی تھی, اس کی وجہ سے ابڈومینل پین, ہائی فیور ہو جائے گا, پیشنٹ ہائی فیور کے ساتھ پریزینٹ کرے گا کیونکہ پس آ گئی ہے, اور ایلیویٹیڈ ایم آئی لیز ہوگا.
अब ये देखें ज़रा, इसमें भी जो है फ्यूडोसिस्ट में भी एलिवेटेड एमाइलेज है, इसमें भी एलिवेटेड एमाइलेज है, और DIC और ARDS भी हो सकते हैं, यही हमने पढ़ा। उसके बाद क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस, क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी सारी सेम है। क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस क्यों होगा, अगर हम एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को ट्रीट नहीं करते तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है ना, ये कॉज होता है इसका मोस्टली, के जो पेंक्रियाज है ना अब उसकी फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी रिकरेंट एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की वजह से। अब ज़्यादातर अल्कोहल की वजह से होता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होती है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये देखें इसके कॉजेज उन्होंने लिखे हुए हैं, पेंक्रियाटिक कैंसर की वजह से, ठीक है, क्या एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी, एक्यूट एंड क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें होगा क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होगा, एक्चुअली अल्कोहल तो हम समझते हैं ना उसकी वजह से होता ही होता है। ये देखें सिस्टिक फाइब्रोसिस में थिक सेक्रीशंस रिलीज होना शुरू हो जाती हैं जो हमारी पेंक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स इंक्रीज होंगे वो पेंक्रियाज को डाइजेस्ट करेंगे, यही होगा। अच्छा, अब जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये इसका डिफरेंट एक कॉज है क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस का, और दूसरा हमने देखा है कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस अगर रिकरेंट हो रहा हो या फिर अडल्ट्स में जो है ना अल्कोहल, ठीक है, बच्चों में ज़्यादातर सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होता है। अच्छा, और बहुत से कॉजेज ऐसे होते हैं जो इडियोपैथिक होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता, क्लिनिकल फीचर्स इसके सेम वही हैं लेकिन जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, कि पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी हो जाती है, कि पेंक्रियाज अब ख़त्म हो गया, मतलब अब क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है, फाइब्रोसिस हो गई है, पेंक्रियाज अपने एंजाइम्स रिलीज करना ख़त्म कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेंक्रियाज में से कोई एंजाइम रिलीज नहीं होगा, वो जो ने नॉर्मल रिलीज़ करा था, तो इसको कहते हैं पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। इसकी डिटेल हम बुक से देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जब इसकी करवाते हैं ना कंट्रास्ट स्टडीज़ करवाते हैं, इमेजिंग में जब देखते हैं रेडियोग्राफिकली, तो हमें पेंक्रियाज की डक्ट ऐसे नज़र आती है, कैसी नज़र आती है देखें, कहीं से वो डायलेट हुई होगी और कहीं से वो इट्रॉफी हुई होगी, मतलब ये दरमियान में जो इट्रॉफी हुई है कि फाइब्रोसिस हुई हुई है, दरमियान में डायलेशन है, फिर फाइब्रोसिस है, फिर डायलेशन है, फिर फाइब्रोसिस है, फिर डायलेशन है। ये जो बीटेड से पेरेंट्स आती है ना, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक नाम देते हैं, इट इज़ चेन ऑफ लेक्स पैटर्न, ठीक है, क्योंकि डायलेशन ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट्स की वजह से चेन ऑफ लेक्स, मतलब ये लेक है फिर ऐसे, फिर लेक है फिर ऐसे, चेन ऑफ लेक्स, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चेन ऑफ लेक पैटर्न जो हमें नज़र आ रहा होता है। तो इसके रिजल्ट में भी वही होगा कि एंजाइम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और जो हमारे क्योंकि हमारा जो पेंक्रियाज होता है वो मैंने बताया था कि इंसुलिन वगैरह हार्मोन्स भी रिलीज़ कर रहा होता है, तो इंसुलिन जब रिलीज़ नहीं होगी तो पेशेंट को एज अ लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगी, ठीक है, और इसके रिजल्ट में पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो जाएगा। पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा को भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठे बुक से देख लेते हैं। पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा याद रखना है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो हेड रीजन होता है ना, पेंक्रियाज का हेड होता है, नेक होती है, बॉडी होती है, टेल होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो पेंक्रियाटिक कैंसर होता है वो हेड में अराइज करता है, बाकी जगहों पर भी अराइज कर सकता है लेकिन ज़्यादातर हेड ऑफ पेंक्रियाज में। आपका MCQ बन सकता है कि MCQ ये मोस्ट कॉमन किस साइड पर होता है, तो हेड ऑफ पेंक्रियाज में होता है, ठीक है। अब खुद सोचें जब हेड ऑफ पेंक्रियाज में ये अराइज करेगा तो ये सारी रीजन ब्लॉक हो जाएगी, बाइल का जो नॉर्मल फ्लो है वो भी नहीं होगा ना, ठीक है, तो बाइल का जो नॉर्मल फ्लो होगा वो नहीं होगा, तो पेशेंट को क्या होगा, जॉन्डिस स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हमारा जो कैंसर है वो पीछे की तरफ है, मतलब कि फॉर एग्जांपल वो इस तरफ है बॉडी और टेल की तरफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो वो नहीं रिलीज़ होंगे जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन के हमारे कैंसर जो है वो किस साइड पे है पेंक्रियाज के, उसके मुताबिक सिम्टम्स आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो कैंसर दिखाया गया है ये पेंक्रियाटिक ट्यूमर कहाँ पे, हेड ऑफ पेंक्रियाज में है, ठीक है। अब पेशेंट जो है ना आपको इस तरह से पेल सा नज़र आएगा, ज़्यादातर अडल्ट्स कह रही हूँ, एल्डरली जो लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस और स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जिनको स्मोकिंग कर रहे होते हैं, फिर क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस होता है, तो ज़्यादातर 70 ईयर्स के जो होते हैं ना उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। और ये है कि इस तरह से पेल हो जाता है, इनका फेस देखें किस तरह से पेल हुआ हुआ है इस तरह से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, जैसे ये देखें, ये क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस का वेट लॉस हो जाएगा, और पॉजिटिव ट्रोसियस साइन होता है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के इसमें क्या होता है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस होता है, ये क्लॉट जो है ना वो जगह जगह बॉडी में घूम रहा होता है, एक वो क्लॉटिंग जो है पूरी बॉडी में ऐसे जगह जगह हो रही होती है ना, तो उसकी वजह से ना माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस की वजह से ना ये जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना 10% केसेस में होता है, हमेशा नहीं होता, पॉजिटिव ट्रोसियस साइन जिसमें ये होता है, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है, इसकी बुक से रीड कर लेंगे। स्वेलिंग अरिदमा होता है, टेंडरनेस होती है एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है। इसमें सीरम मार्कर जो होता है पेंक्रियाटिक कैंसर में 19.9, ठीक है, ये जो होता है ब्लड टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए हम लेते हैं। इसके अलावा हम इसको जो पेंक्रियाटिक कैंसर होता है इसको कैसे रिमूव करते हैं, सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं हम, कैसे ये जो हिस्सा होता है ना ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाया हुआ है सारा रिमूव कर देते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें हेड और नेक ऑफ पेंक्रियाज हम रिमूव करते हैं,
उसमें हम प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम जो है निकाल देते हैं पेशेंट का, और गॉल ब्लैडर भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया हमने, प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम है वो निकाल दिया, हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज निकाल दिया। तो ये जो होता है इसको हम विप्पल प्रोसीजर कहते हैं। इस तरह से रह जाता है, इतना सा पैंक्रियाज जो है ना वो हमारे पास रह जाता है बस, ठीक है, रिमेनिंग पैंक्रियाज इतना सारा। तो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि फाइब्रोसिस हो जाती है हमारे पेंक्रियाटिक पैरेन्काइमा की, सेकेंडरी टू रिकरेंट एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। और ये अल्कोहल की एडल्ट्स में अल्कोहल की वजह से होता है, बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होता है, ज़्यादातर इडियोपैथिक होते हैं। इसमें क्लिनिकल फीचर्स वही होंगे कि उसी तरह पेन हो रही होगी, बैक की तरफ जा रही होगी, पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारा, कुछ भी नहीं हजम हो रहा होता क्योंकि पेंक्रियाज के एंजाइम्स खत्म हो गए हैं, स्टीरोरिया हो जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, एमएलएज और लाइपेज अब हम लैब टेस्ट करवाएंगे तो हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि पैंक्रियाज के सारे एंजाइम्स खत्म हो गए हैं। और क्या होगा, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी पैंक्रियाटिक पैरेन्काइमा की, और चेन ऑफ लेग पैटर्न हमें नजर आएगा जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है और पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में क्या है कि पैंक्रियाटिक डक्ट से अराइज होता है, एडीनो कार्सिनोमा होता है मोस्टली, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ग्लैंडुलर है ना, यहाँ पे ग्लैंड्स हैं इस वजह से। अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो ये बूढ़े लोगों में देखा गया 70 ईयर्स में, और रिस्क फैक्टर्स इसका स्मोकिंग एंड क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है। और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर लेट होते हैं, वेट लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है जिसमें पेल स्टूल्स हो जाते हैं, और पैल्पेबल गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, जब वो हेड ऑफ पेंक्रियाज में होगा। और अगर वो ट्यूमर बॉडी और टेल में है तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस होगी, पेशेंट को माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस होगा, ट्रोसिया साइन होगा जो मैंने आपको दिखाया था, स्वेलिंग एरिथमा और टेंडनेस हो जाती है एक्सट्रीमिटीज़ की, 10% लोगों में देखी जाती है। सीरम मार्कर इसका CA19-9 है, ठीक है, यही हमने देखा था ना। और सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं हम हेड ऑफ पैंक्रियाज और नेक ऑफ पैंक्रियाज और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम और गॉल ब्लैडर को निकालते हैं, इसको हम विप्पल प्रोसीजर कहते हैं। ये वेरी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, और वो जो आपने पेशेंट्स देखे थे उनका 1 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 10% से भी कम है, कि एक साल भी मुश्किल से जिंदा रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, हम नेक्स्ट गॉल ब्लैडर देखते हैं।